1,000 रुपये वाला फिशल आज हम घर पर करेंगे, इतना बेहतरीन होगा जिसका रिजल्ट के बस देखने वाले वाह वाह करेंगे कि 10 से 15 हज़ार का फिशल जो हम पार्लर में करवाने जाते हैं, जो स्किन को गोरा चिट्टा करवाते हैं जाके, बस वो कुछ ही दिन उसका असर रहता है, फिर हमारी स्किन वैसी की वैसी हो जाती है। मैं कहती हूँ ये वाला फेशियल आप जब घर पर करेंगे, 10 से 15 हज़ार रुपये वाला फेशियल आप घर पर करेंगे, वो भी इतनी आसान चीज़ों से और सस्ते में, तो जो घर में ही हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी उसी के साथ हम बेहतरीन फेशियल करेंगे, जिसके रिज़ल्ट देखकर आप सब भी हैरान होने वाले हैं। मैं भी ऐसे ही हैरान हो गई थी कि जो रिज़ल्ट मुझे जब मिला था इस फेशियल का, मैं कहती हूँ बेहतरीन से बेहतरीन फेशियल है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का, बहुत ही आला किस्म का है। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, आपने खाली बाउल लेना है, उसके अंदर आपने डालनी है क्रीम, फेयर लवली क्रीम हो, जो भी आपके पास फेयरनेस क्रीम हो, तिब्बत क्रीम हो, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने उसके अंदर हाफ चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। इस क्रीम के साथ जो हम फेशियल करेंगे आज, वो बाकमाल होगा। मैं कहती हूँ इतना रिज़ल्ट इसका आएगा, इतना बेहतरीन ये फेशियल है, सब महंगे महंगे फेशलों की छुट्टी कर देगा। जो 10 से 15 हज़ार का फेशल हम करवाने जाते हैं वो उन सब की छुट्टी कर देगा आज ये फेशल। बहुत ही आसान चीज़ों से हम इजीली घर पर फेशल ये कर सकते हैं, कोई भी एफर्ट की इतनी महंगी, हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, साथ आपने ले लेना है दही। दही आपको पता है कितना ही बेहतरीन है हमारी स्किन के लिए, इलेक्ट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, हमारी स्किन को गोरा चिटा करने में बहुत ही मदद देता है। 1 चम्मच के करीब आपने दही का इसके अंदर शामिल करना है। अगर आप दही की जगह दूध भी शामिल कर सकती हैं, वो भी कच्चा दूध अगर आपके पास हो तो। मैं यहाँ दही शामिल कर रही हूँ क्योंकि दही से हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा अच्छी तरह पिसा होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्रब नहीं करना, हमने एक फेशियल जैसा एक बनाना है, हमने कमाल की क्रीम, वो इसी तरह हमें बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर चाहिए। और साथ ये देख लें, ये मेरे पास है चुटकी, लिया है मैंने फिटकड़ी पाउडर। फिटकड़ी वो बहुत ही आसानी से पंसार स्टोर से कहीं से भी मिल जाती है, आपने उसको लेना है, उसको पीस लेना है, उसका पाउडर आपने उसके अंदर शामिल करना है। और साथ आपने वाइटनिंग रिज़ल्ट के लिए इसके अंदर शामिल करने हैं 2 वाइटनिंग के कैप्सूल। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकती हैं, अगर हो तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेरे पास थे तो मैं इसके अंदर 2 शामिल कर रही हूँ वाइटनिंग के कैप्सूल। तो जनाब इन सब चीज़ों को आपने, ये बेहतरीन सा हमारा फेशियल है, जो एक क्रीम है हमारे पास बनकर रेडी हो गई है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है कि सब चीज़ें जो इसके अंदर शामिल की हैं हमने, बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली सब चीज़ें यकजान हो जाएं, इतना आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और साथ आपने ये एक स्पेशल चीज़ शामिल करनी है, वो है अरके गुलाब। अगर आपके पास अरके गुलाब नहीं है तो आप उसकी जगह एलोवेरा जेल भी हाफ चम्मच शामिल कर सकती हैं। एलोवेरा जेल भी नहीं है तो आप पानी भी शामिल कर सकती हैं या दूध भी शामिल कर सकती हैं। तो आपने इस सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इतना मिक्स करेंगे ये बहुत बेहतरीन सी क्रीम हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगी, इतनी क्रीमी क्रीमी फॉर्म में और बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले। जब मैंने इसको खुद लगाया था, फिर मैंने अपनी कज़न को भी दिया, तो वो मुझसे पूछने आ गई कि क्या क्या इसके अंदर शामिल किया था, किस चीज़ से ये बनाया, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है इसका, क्योंकि मैंने उसको भी दिया था यूज़ करने के लिए, लगाने के लिए। तो देख लें ये अच्छी तरह क्रीम, एक क्रीम सी बन गई है हमारे पास, रेडी हो गई है। तो अब आपने क्या करना है जनाब, आपने इसको अपने फेस पर लगाना है, हाथों पांव पर लगाना है, जहाँ जहाँ आपको स्किन अपनी डल, ब्लैक, काली, स्याह, दाग, धब्बे, छाइयाँ, जो भी आपके चेहरे पर है, उन सब को इसने रिमूव कर देना है एक ही एप्लीकेशन से। मैं कहती हूँ कोई भी महंगा फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। मैं यहाँ आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, हाथ पर साथ साथ आपने इसको लगाना है और साथ साथ इसका मसाज करना है, ऐसे ही आपने उठाना है, साथ साथ लगाना है, साथ साथ मसाज करना, इसको अभी लगाकर छोड़ना नहीं, आपने पहले इसकी मसाजिंग करनी अच्छी तरह।
चेहरे पर भी जब आप लगा रहे हो तो आपने ऐसे ही हल्के हाथों से मसाज करना है। मैंने यहाँ वीडियो को फास्ट किया हुआ है तो इसलिए आप बिल्कुल आराम आराम से अपने हाथों से मसाज कीजिएगा अपने चेहरे पर, जहाँ जहाँ आपकी डेड स्किन हो गई, टैनिंग हो गई, आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ, दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, तो वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह मसाज करना है इस क्रीम के साथ। जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे आपके अंदर एक वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट आपका चेहरे पर आता जाएगा, आपको नज़र आएगा। ऐसे ही जैसे मैं अपने हाथ पर जब कर रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि एक बेहतरीन सा जो इफ़ेक्ट है हमारे मेरे हाथ पर आ रहा है, एक वाइटनिंग जो इफ़ेक्ट है, असर है वो इसके अंदर आ रहा है। तो इतना बेहतरीन का ये जो रिज़ल्ट है मुझे अभी से नज़र आना शुरू हो गया था जब मैं अपने हाथ पर कर रही थी। बेहतरीन से बेहतरीन फेशियल है, मैं कहती हूँ सब महंगे फेशियलों की छुट्टी कर देनी है जब आपने इसको लगाना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मसाज करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है सूख जाने तक कि ज़रा ड्राई हो जाए इसको। फिर ड्राई होने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। यहाँ मैं वॉश कर आई हूँ तो देख लीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये फेशियल है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। मेरा हाथ देख लें माशाल्लाह कितना ब्राइट, फेयर, नीट एंड क्लीन हो गया, इतना खूबसूरत हो गया हाथ मेरा माशाल्लाह, वाइट वाइट हो गया, गोरा चिट्टा हो गया। ऐसे ही आपका चेहरा भी गोरा चिट्टा हो जाना है, वाइट हो जाना है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त ये फेयर करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से नीट करेगा, बेहतरीन कमाल का ये फेशियल आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पर। मैं कहती हूँ सारे महंगे महंगे फेशियलों की छुट्टी हो जानी है आज के बाद जब आप इसको ट्राई कर लेंगी, लगा लेंगी, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। जब भी शादी पे जाना हो, किसी भी फंक्शन पे जाना हो, बस इसको आपने बनाना है और लगाना है और चेहरा और हाथ पाँव इतने खूबसूरत आपने पा लेने हैं घर बैठे बिना एफर्ट किए, बिना इतने पैसे लगाए, बिना इतना टाइम ज़ाया किए। तो आई होप जनाब आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।